हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नेबर आशीष यादव। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस को लेके। निफ्टी निफ्टी बैंक के लेवल्स देखेंगे, प्लस कुछ स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है अभी के हिसाब से। सो ये मैंने जस्ट मनी कंट्रोल ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पर देखोगे एसएक्स निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। सो एसएक्स निफ्टी के लेवल दैट इज़ 66 पॉइंट्स अप, दैट इज़ 18,282 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। ठीक है, और जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो 18,212, सो करीब 60-70 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो ओपनिंग के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में। ठीक है, सो अभी देखते हैं निफ्टी में। आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट अब मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते थे हम लोग और अपसाइड देख सकते हैं, और मे बी अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मे बी मार्केट आपका ये रेजिस्टेंस तक यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके मे बी 18,500 तक के लेवल्स भी हमें वहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस है, आज ये रेजिस्टेंस भी आपका ब्रेक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अभी जो इसका सीधा रेजिस्टेंस है वो यहाँ के लेवल्स बन रहा है। ठीक है, सो मे बी हम लोग यहाँ तक जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। आज रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ है बट थोड़ा सा क्लोजिंग नहीं है, अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा सो हम लोग यहाँ से 230-300 पॉइंट तक का तेजी हम लोग वहाँ पर एक बार और निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। चलो, सो अभी क्या है, सो अभी मुझे करना क्या है निफ्टी में, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस बाइंग कर सकते हैं दैट इज़ ओके, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट होने का। ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए अगर हम टाइम फ्रेम कम करके यूज़ करेंगे सो यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप अगर जाओगे सो ये एक गैप है। ठीक है, सो आप इस गैप को यूज़ कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। आप यहाँ पर देखोगे सो 18,079 का लेवल है, अगर मार्केट आपका 100 पॉइंट डाउन आता है, ठीक है, कुछ भी करेक्शन होता है, कुछ भी न्यूज़, बिकॉज कल एक्सपायरी भी है सो वॉलिटिलिटी रहने वाली है, सो मे बी अगर कुछ भी करेक्शन में प्राइस करेक्शन हो गया, प्राइस नीचे आता है, देन ये लेवल्स आपका होगा बाइंग के लिए, आप यहाँ पर इसको बाइंग के लिए रख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निफ्टी बैंक का डेली कैंडल है, ठीक है, डेली कैंडल में देखोगे तो लास्ट क्लोजिंग आपका ये दोजी कैंडल है। ठीक है, ये दोजी है, सो मे बी इंडिसियन कैंडल है। अब यहाँ से अगर दोजी है, कल एक्सपायरी है, सो मे बी बहुत ज़्यादा चांस है शॉर्ट कवरिंग के भी, और इसी के आप जैसे कंटिन्यूसली बैंक चल रही है, और जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था ये रेजिस्टेंस आपका अवेलेबल, सो मे बी जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करेगा देन बैंक निफ्टी भी आपका, जैसे कि निफ्टी करीब है लाइफ टाइम हाई के आसपास, सो मे बी बैंक निफ्टी भी आपका इस लेवल क्रॉस होने के बाद वहाँ से तेजी आ सकती है। ठीक है, चलो, सो अभी करना क्या हमें, बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है, सो उसके लिए हम टाइम फ्रेम कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने के लिए देखेंगे। सो यहाँ पे सेम लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप देखोगे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होते हुए आपको यहाँ पे देखे थे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको, ठीक है, सो 18,30,500 एक राउंड लेवल भी है, सो वहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा इस अब यहाँ पे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला तो क्वेश्चन आ रहा है आइडिया। ठीक है, आइडिया के बारे में, सो आइडिया तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में बता ही दिया था कि आइडिया पे सपोर्ट के आसपास आ गया है। ठीक है, ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। ठीक है, और वहाँ से प्राइस में आज अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, बट ये रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज़ अ गैप एरिया भी आप इसको बोल सकते हो। सो वहाँ पर प्राइस टच किया इस गैप एरिया में और वापस से ड्रॉप आया। ठीक है, सो अभी क्या है, वोडाफोन आइडिया में अगर फ्रेश बाइंग करनी है सो आप इस लेवल के क्रॉस होने के बाद बाइंग करेंगे, और हम लोग यहाँ तक के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जो लोग ज्वाइन है वहाँ पर मैंने इसको अपडेट दिया हुआ था आइडिया को लेकर, सो वहाँ पर करीब 50-60 पॉइंट का मोमेंट वहाँ पे आया। ठीक है, चलो, सो ये आइडिया एक सपोर्ट्स पे खड़ा, बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से तेज़ी आनी चाहिए इस स्टॉक्स में। ठीक है, बट न्यूज़ बेस है थोड़ा सा, आप जो रिस्की ट्रेडर हैं या जो रिस्क नहीं ले जाते वो इस स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत होता है, 10% 20% तक इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये है आपका फ्रेश बाइंग करनी आपको, इस ये ब्रेक होगा 13.60 का लेवल, देन आप बाइंग कर सकते हो आइडिया में। ठीक है, अब इस स्टॉक्स इस फेस पे देख सकते हैं, एक स्टॉक्स है आपका, हम लोग एक जो स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट किए हुए दैट इज़ अ जस्ट वेट, मैं वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो एक स्टॉक है आपका डिवीज लैब। ठीक है, डिवीज लैब में आप यहाँ पे देखोगे प्राइस मूवमेंट आया यहाँ से, ये प्राइस आपके ऊपर गया क्रॉस, तो अभी क्या वापस से जाने के लिए रेडी हुआ, और ये आपका 3-4 दिन का ये कंसोलिडेशन प्राइस में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो हम डिवीज लैब को बाय करेंगे,
आप इंट्री रख सकते हो इस लेवल्स, ये लेवल्स आपका आज का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस आपके ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। और हम लोग टारगेट आने वाले टाइम में ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर प्राइस आना चाहिए। सो यहाँ पर करीब 1:2 ऑलमोस्ट का आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक्स को देख के देख सकते हो, ठीक है। एक और स्टॉक्स है RBL बैंक। RBL बैंक में आप देखोगे ये गैप एरिया के आसपास आने वाला है और आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है। सो जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आता है वहाँ पे आप लुक फॉरवर्ड फॉर शॉर्ट सेलिंग, आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। तो 1.5 के लेवल के आसपास वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, 1-2 पॉइंट का फैसला रहेगा। और टारगेट के हम लोग वापस हम लोग ये लेवल्स यहाँ पर करीब 142-152 के पास हम लोग यहाँ पर वापस प्राइस को आते हुए देख सकते हैं। बिकॉज स्टॉक्स जस्ट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अभी जस्ट फॉल हुआ और अभी इसका ये डाउन ट्रेंड है, इसके ऊपर आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सो अभी यहाँ पर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक और स्टॉक्स है जो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, दैट इज़ द IRCTC। और लास्ट टाइम एक बाउंस आया था यहाँ से, ठीक है, और बिकॉज ये रेजिस्टेंस अवेलेबल थे, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और ड्रॉप आया। बट आज का जो कैंडल है दैट इज़ अ हैमर कैंडल, और मे बी प्राइस कल से यहाँ से मे बी इसमें ये तेजी आना स्टार्ट हो, ठीक है। सो आप इस हैमर को ट्रेड कर सकते हो, दैट इज़ अ हैमर। और हैमर को ट्रेडिंग कैसे करना है वो वीडियोज ऑलरेडी मैंने डाल दिया, सो आप इस वीडियो से आके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं रफली बता दे रहा हूँ, आप हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका ये लेवल रहेगा और आपके टारगेट है वो ये रेजिस्टेंस लेवल करीब होंगे, जस्ट 900 रुपये तक के लेवल हम लोग इस स्टॉक्स में आने वाले टाइम में देख सकते हैं, ओके। सो ये 4 स्टॉक्स है मेरी तरफ से। चलो आज ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, लेवल्स आपको समझ में आ गए हो। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार ही आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।